तो हेलो फ्रेंड, दुनिया का किसी भी कंपनी के फोन में अगर गलती से लॉक लग जाए पासवर्ड पिन पैटर्न, और आप उस लॉक को भूल जाते हो और आपका फोन अनलॉक नहीं हो पाता है और आप बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाते हो, तो इस फोन में लगे हुए लॉक स्क्रीन को कैसे अनलॉक करेंगे, कैसे डाटा को रिकवर करेंगे, कैसे फोन का लॉक को अनलॉक करेंगे फ्री में, बिना पैसा को वेस्ट किए, बिना डाटा को डिलीट किए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को लास्ट वॉचिंग कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तो आपका भी फोन घर बैठे अनलॉक हो जाएगा, चाहे किसी भी कंपनी का फोन क्यों ना हो। आपको करना क्या है, बस इस वीडियो को लास्ट तक वॉचिंग करना, हमें फॉलो कीजिएगा, आपका फोन घर बैठे बिल्कुल फ्री में अनलॉक हो जाएगा। फ्रेंड, अनलॉक करने से पहले हमें सर्विस सेंटर का एक ट्रिक यूज करना है, क्योंकि अगर आपका फोन लॉक है, इसे अनलॉक करना चाहते हो घर बैठे, तो आपको अपने फोन को ऑफलाइन मोड में लेके जाना होगा। तो ऑफलाइन मोड क्या होता है, यहाँ पे एक एयरप्लेन मोड का ऑप्शन दिख रहा है, इसे आप ओपन कर लीजिएगा। अगर ये एयरप्लेन मोड का ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा है तो अपने फोन में से सिम कार्ड को निकाल दीजिए, एंड देन इसके बाद आप लॉक स्क्रीन पेज पे आ जाओगे। लॉक स्क्रीन पेज पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे एक इमरजेंसी कॉल या इमरजेंसी SOS का ऑप्शन दिखेगा, हर फोन में मिलेगा आपको। तो बस आपको इमरजेंसी कॉल के ऑप्शन पे डायल करना है, क्लिक करना है, इसके बाद डायल पैड को ओपन करना है। डायल पैड को ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे FRP अनलॉकिंग कोड मिलेगा, ठीक है, जो कि सर्विस सेंटर का है। इस कोड को आप अपने फोन में बारीकी से कॉपी कर लीजिएगा, ध्यान से, आपका कोई भी अंग छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। एंड देन इसके बाद इस कोड को हमें एक्टिवेट करना है सर्विस सेंटर से। तो यहाँ पे कॉल का ऑप्शन दिखेगा, कॉल पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे परमिशन में ओके कर देना है, एंड देन इस कोड को हटा लेना है। जब ये एक कोड आपका एक्टिवेट हो जाए, तब आपका सेकंड कोड यूज करना है, डाटा रिकवर कोड, ठीक है। इस कोड से आपका पूरा का पूरा इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, फाइल, कॉन्टैक्ट नंबर या जीमेल, सारा डिटेल आपका रिकवर हो जाएगा। बस इस कोड को डायल करने के बाद ध्यान से एक बार मिला लीजिएगा कि कोई भी कोड आपसे छूट नहीं रहा है ना, ठीक है। इसके बाद इस कोड को हमें फिर से एक्टिवेट करना है सर्विस सेंटर से। तो एक्टिवेट के लिए फिर से हमें यहाँ पे कॉल का ऑप्शन जो दिख रहा है, उसे फिर से हम कॉल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फिर से एक नोटिफिकेशन आएगा आपकी स्क्रीन पे, फिर से आपको यहाँ पे परमिशन में ओके कर देना है, एंड देन इस कोड को आपको फिर से इरेज कर लेना है। जब ये दो कोड आपका एक्टिवेट हो जाए, तो आपको होम वाले बटन को क्लिक करके होम पेज पे आ जाना है, लॉक स्क्रीन पेज पे। अब हमें यहाँ पे 2 से 3 सेकंड बाद फिर से इमरजेंसी कॉल के ऑप्शन को ओपन करना है। तो इमरजेंसी कॉल के ऑप्शन को ओपन करेंगे, अब फिर यहाँ पे डायल पैड को ओपन करेंगे। डायल पैड को ओपन कर देने के बाद आपको यहाँ पे अब हार्ड रीसेट कोड यूज करना है। सबसे लास्ट कोड है हार्ड रीसेट कोड, इस कोड से आपका फोन अनलॉक होने वाला, *#8 1 2 and ##। इस कोड को डायल करने के बाद इसे आप सेलेक्ट कीजिएगा, तो यहाँ पे कॉल कट कॉपी शेयर एंड देन 3 डॉट का ऑप्शन आएगा, 3 डॉट पे क्लिक करना है, मैसेज का ऑप्शन आएगा, मैसेज पे क्लिक कीजिएगा, आपका एक मैसेज बॉक्स ओपन हो जाएगा। होम वाले बटन को क्लिक कीजिएगा, इस बार आपका फोन अनलॉक हो जाएगा बिना डाटा डिलीट किए और बिना पैसा को वेस्ट किए। आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।